हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे भाई सब लोग? फटाफट बताओ जी, सब लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया, सब लोग एकदम हैप्पी, इंटरेस्टिंग। ओके ग्रेट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस यस यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू नेशन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ नया करने वाले हैं भाई जी। परवेज आलम, अंकित राव और सब लोग, गुड मॉर्निंग जी। हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट, एवरी वन इज डूइंग ग्रेट हेयर। ओके, आई थिंक हाउ यू ऑल आर डूइंग, जस्ट वी वॉन्ट टू नो। आई थिंक यू ऑल आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। एंड जहाँ पे भी है आप लोग, जैसे भी सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अपने नए सेशन की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ। आज हम लोग सीखेंगे क्या? आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। अंकित पाल, गुड मॉर्निंग जी, सब लोग बढ़िया हैं? बताइए, सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही? जल्दी बोलो जी, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, सब लोगों को मेरी आवाज़ ऑडिबल है। रोशनी पांडे, गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल। तो मैंने क्या बताया आपसे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यूज़ ऑफ इन स्पाइट ऑफ, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पाइट बोलते हैं। ठीक है, अब बता दूंगा मैं आप लोगों को इसका यूज कैसे होता है। इसी को हम लोग इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसी को हम लोग डिस्पाइट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, चाहे इंस्पाइट हो चाहे डिस्पाइट हो, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे इंस्पाइट हो चाहे डिस्पाइट हो, दोनों का मतलब क्या होता है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। ठीक है, तो याद रखना, चाहे वो इंस्पाइट हो, इसको मगर क्लियरली लिख दे तो क्या होता है? ये होता है डिस्पाइट, DESPIT। अब ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। आप अपने डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जब आप इसका यूज कर सकते हो, धड़ल्ले से इसका यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए जी, तो हम लोग इसमें क्या सीखते हैं? ध्यान सीखना मेरी बात को, ठीक है, तभी आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हम लोगों के टाइम पे, ऐसा कई बार मोमेंट आता है हम लोगों के सामने जहाँ पे क्या होता है, हम लोग पास एक कंडीशन होती है ना कि भाई इनके पास फोन होने के बावजूद ये क्या करते हैं, इनके पास एंड्रॉयड फोन होने के बावजूद भी करते हैं, ये सिंपल फोन ही चलाते हैं। तो जब हमने बात की किसका, कि जब इनके पास एंड्रॉयड फोन होने के बावजूद, तो याद रखिएगा इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है के बावजूद। याद रखना, इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। चाहे तो वो इंस्पाइट ऑफ हो चाहे तो वो डिस्पाइट ऑफ हो, दोनों का मतलब क्या होता है? के बावजूद होता है। सर PDF कहाँ मिलेगी? ऐप पे मिलेगी भाई, बस एक दिन और वेट करो परवेज आलम, बस आपको PDF भी रेडी है। अब मैं आज शाम को आप लोगों से कांटेक्ट करता हूँ PDF के लिए, देखता हूँ हो सकता हूँ ऐप पे अपलोड, आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा मैं। एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश बैच आप लोगों का भी ऐड हो गया, तो सही नहीं ऐड हुआ तो भी रेडी हो जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद आप लोगों को उसको स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में सारे सबके PDF रेडी हो रहे हैं। तो अब ध्यान समझना, इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। ठीक है, तो अब क्या होता है, चाहे तो हम लोग इंस्पाइट ऑफ यूज करें चाहे तो डिस्पाइट, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना क्या है कि जो इंस्पाइट ऑफ होता है ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है और डिस्पाइट थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट इज इट दैट द इंस्पाइट ऑफ इज अ फॉर्मल एंड व्हाट वो इंस्पाइट ऑफ इज सॉरी इंस्पाइट ऑफ इज अ फॉर्मल एंड डिस्पाइट इज अ इनफॉर्मल। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं, एकदम सेम पैटर्न पे यूज होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे सेंटेंस आपको बनाने पड़ते होंगे, तो हम लोग इसका यूज, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो इसको सीख लेते हैं। देखिए, जब भी आपको इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की बात जाननी होगी तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में अपने इंस्पाइट ऑफ यूज करते हैं, इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन। ध्यान समझिए, अब यहां पे देखिए नाउन में जैसे मैंने क्या बोला, इंस्पाइट ऑफ फोन, इंस्पाइट ऑफ मार्कर, इंस्पाइट ऑफ लैपटॉप, इन स्पाइट ऑफ कार, ये सब क्या सब नाउन ही तो हुआ भाई। मैं कहूँ आपसे क्या कि इनके पास कार होने के बावजूद ना, लैपटॉप होने के बावजूद, इनके पास चार्जर होने के बावजूद, शर्ट होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ शर्ट ही ऑलवेज वॉकिंग बेयर, वो क्या करते हैं हमेशा नंगा घूमते रहते हैं शर्ट होने के बावजूद। तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि इनके पास ये वस्तु होने के बावजूद, तो क्या होता है हम लोग याद रखिएगा, वो सब में नाउन में आता है। तो आप कह सकते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं किसे नाउन, तो हम लोग क्या कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट नाउन, उस नाउन को हम लोग कहेंगे जिस नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पे ये होता है हमारा इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन। नाउन के साथ साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग क्या यूज करते हैं, याद रखिएगा, बीइंग का भी यूज करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपसे, एक तो ये इन स्पाइट ऑफ हो गया,
मैं यहीं पे ऑब्लिक करके लिख देता हूं, स्पाइट ऑफ बीइंग। जैसे मान लीजिए ये बीइंग कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कहूं इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल, बढ़िया होने के बावजूद ही लीव द क्लास, उसने उन्हें क्लास क्या करे, उन्होंने क्लास को छोड़ दिया। तो अब वेल मतलब क्या हो रहा, बढ़िया होने के, जो होना होगा, बात समझिए, जैसे जो एक स्टेट होता है, जैसे जिसके बात करूं मैं आपसे एक्शन की बात करूं, इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग सिक, बीमार होने के बावजूद ही नेवर मिस द क्लास, वो कभी अपनी क्लास छोड़ता नहीं है। तो जो हम लोग बीइंग के साथ यूज करते हैं, याद रखिएगा वो किसी एक्शन को यूज करेंगे। अगर हम लोग नाउन सीधे बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग सीधे अगर नाउन नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। तो बीइंग के बाद क्या होता है, बीइंग के बाद याद रखिए यहीं पे हम लोग किसका यूज करते हैं, यहीं पे हम लोग ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं, यहीं पे हम लोग किसका यूज करते हैं, यहीं पे हम लोग बीइंग के बाद किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। या एक ऑप्शन हमारे पास और होता है यहाँ पे कि हम इसका यूज ना करें, तीन केसेस होते हैं, या तो हम लोग नाउन का यूज करें, या तो बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है क्या, ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर दूं अगर तो आप समझ पाए बढ़िया से, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक केस और होता है, एक तो नाउन होता है, एक तो बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और एक हम लोग और यूज करते हैं जहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। वो केस का बात बता दे रहा हूं आपको, वो भी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, तीन केस होता है। पहले स्थिति में क्या होता है, हम लोग इंस्पाइट ऑफ के बाद सिर्फ नाउन का यूज करते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तीसरे केस में क्या होता है, हम लोग इंस्पाइट ऑफ के पास हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और इसके अलावा एक केस और होता है जहां पे हम लोग वर्ब के साथ, मैं बता दूं आपको जहां पे क्या होता है, क्या हो गया भाई, हाँ, जहां पे क्या होता है कि हम लोग वर्ब के साथ यहीं पे आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। मैं आपको चारों एक्शंस का एग्जांपल लेके बढ़िया समझाता हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाओ। इन चार प्रकार से सिर्फ यूज होता है किसका, इंस्पाइट ऑफ का। सो यू कैन से दैट देयर आर फोर वेज ऑफ यूजिंग इंस्पाइट ऑफ, और यू कैन ऑल्सो से दैट देयर आर फोर वे ऑफ यूजिंग डिस्पाइट ऑफ। चार तरीके हैं किसका यूज करने का, इंस्पाइट ऑफ का यूज करने का। जैसे बता दूं मैं आपसे, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैं आपसे अगर बोलूं यहाँ पे देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल अगर लूं, सबको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। मैं जैसे अगर यहां पे लिखता हूं क्या, इन स्पाइट ऑफ कार ही ऑलवेज गो टू ऑफिस बाई साइकिल। बात समझ में आई, मैंने क्या बताया आपसे, समय जुखाम देवता हमारे ऊपर बढ़िया से एक्ट, इन स्पाइट ऑफ कार, कार होने के बावजूद, यहाँ पे देखो मैंने किसका यूज किया, हमने नाउन का यूज किया है, कार क्या है, एक नाउन है। तो मैंने क्या बोला आपसे, इन स्पाइट ऑफ कार ही ऑलवेज गो टू ऑफिस बाई साइकिल, लेकिन किससे जाते हैं वो ऑफिस साइकिल से जाते हैं। सोचो मेरी बात को, समझो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि कार होने के बावजूद वो हमेशा ऑफिस कैसे जाते हैं, वो ऑफिस हमेशा साइकिल से जाते हैं। तो जो मैंने बोला आपसे यहाँ पे, ही ऑलवेज गो टू ऑफिस बाई साइकिल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार होने के बावजूद याद रखिएगा, यहाँ पे इंस्पाइट किस सेंस में आया है, यहाँ पे जो इंस्पाइट आया है वो क्या है, किस सेंस में आया है, के बावजूद किस सेंस में आया है क्या, इंस्पाइट ऑफ। तो इंस्पाइट ऑफ मतलब साइकिल होने के बावजूद ही ऑलवेज गो टू ऑफिस व्हाट, अंकित राव, हाँ बिल्कुल सही। तो मैंने कहा आपसे इंस्पाइट ऑफ कार He always go to office by cycle. कार होने के बावजूद, ध्यान समझना मेरी बात को, जब भी आपको यूज करना होगा के बावजूद, याद रखिए सब स्पेशल जो सेंटेंस होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं सब आपको जल्दी कहीं समझ में नहीं आता है, हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। अगर चीजों को थोड़ा समझे आसान तरीके से, तो हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपसे, इन स्पाइट ऑफ कार, कार होने के बावजूद, कार होने, कार है इनके पास, समझना, कार वो वस्तु उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो उसका यूज नहीं कर रहे, ध्यान समझना। जैसे मैं बता दूं आपसे, मैंने क्या बोला कि मार्कर होने के बावजूद, या मैं बोलूं आपसे क्या, ये डिजिटल मार्कर होने के बावजूद, आशुतोष सर हमेशा उंगली से ही लिखते हैं, हाँ, इन स्पाइट ऑफ डिजिटल पेन, या इन स्पाइट ऑफ डिजिटल मार्कर, आशुतोष सर ऑलवेज यूज हिज फिंगर फॉर राइटिंग। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कह सकते हैं क्या कि वो वस्तु है वहां पे, वो नाउन है, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट उसका यूज नहीं हो रहा है, याद रखिएगा उसका यूज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया मेरा पहला केस, जब हम लोग क्या करते हैं, इन स्पाइट ऑफ के बाद नाउन का यूज करते हैं।
बात समझ में आ गई। अब दूसरी केस की बात करते हैं जो हमारा स्टेट होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, ध्यान से देखना, ये बात सबको समझ में आ गया। ऐसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल और बना सकते हैं क्या। इन स्पाइट ऑफ बाइक ही ऑलवेज गो हिज ऑफिस बाय फुट, वो पैदल चले जाते हैं भैया, ठीक है। अब भले उनके पास बाइक है, कंजूसे आदमी है एकदम पूरे, ठीक है। तो मीन्स व्हाट यू कैन से जस्ट लाइक इन दिस वे यू कैन मेक मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल। इन स्पाइट ऑफ फोन ही नेवर कॉल एनीवन, फोन होने के बावजूद भी कभी किसी को कॉल नहीं करते, बात समझ में आई। इन स्पाइट ऑफ व्हाट ही हैव ऑल फैसिलिटीज बट ही नेवर स्टडीड, कभी वो पढ़ाई नहीं करते, ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसे पैटर्न क्या कर सकते हैं आप, नाउन की बात यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा केस है वहां पे उसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर दूं तो ध्यान से देखिएगा। ये तो अपना पहला केस हो गया। अगर मैं आपसे दूसरे केस की बात करूं, दूसरा केस बोले तो क्या है, जहां पे क्या होता है इन स्पाइट ऑफ के बाद हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, और बीइंग के बाद क्या करते हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे अगर कहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल ही ऑलवेज स्टे इन हॉस्पिटल। ध्यान समझना, स्टे इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मैंने कुछ ज्यादा बढ़िया लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक। मैंने आपसे क्या बोला इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल ही ऑलवेज स्टे इन हॉस्पिटल, ही ऑलवेज बीइंग इन हॉस्पिटल। अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल, बढ़िया होने के बावजूद। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई नाउन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्थिति की बात कर रहा हूँ, एक एक्शन की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे हम लोग स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बात बीइंग के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मनी ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मनी। आप ये भी कह सकते हैं कैसे, जैसे बता दूं आपसे मैं, आप कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल है, मैं अगर लिखूं, ध्यान से देखना, मैं अगर यही पे लिख रहा हूं क्या, मैं एक दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं क्या, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल्थ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल्थ, वेल्थ सब लोग जानते हैं, ही ऑलवेज unhappy, क्या कह सकते हैं क्या, in spite of being well, he is, या ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या, he is unhappy। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया आपसे, in spite of being wealth, भाई पैसा तो है उनके पास खूब, धन होने के बावजूद, ठीक है, in spite of being wealth, धन होने के बावजूद वो क्या है, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो बता, ऐसा अक्सर होता है ना कि क्या होता है, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग बहुत पैसे रखे हैं भैया, करोड़पति, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे आर मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग टू देयर गवर्नमेंट, देयर फैमिली, देयर सोसाइटी, टू होम दे वॉन्ट टू कंप्लेन, दे आर ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग। सो फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल्स यू मे यूज दिस सेंटेंस, ऐसे लोगों के लिए यू मे यूज दिस सेंटेंस, व्हाट, आप कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ मनी, ओके, इन स्पाइट ऑफ अ गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स, नो वन कैन सेव होम। अरे अपने प्रधानमंत्री जी पुराने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल्थ। तीसरा जो केस होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तीसरे केस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक बात और करते हैं, किसका बात करते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, ये तो हमारे दो स्टेट की बात होगी। अब मैं तीसरा बात करता हूँ क्या, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार। अब देखिए क्या होता है, ये हैविंग मतलब, जैसे आपसे पहले मैंने बताया था एक बार आप लोगों को कि हैव का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे आई हैव अ मार्कर, मतलब मेरे पास एक क्या है, मार्कर है, आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन है, यू हैव अ कलरफुल इंक, आपके पास एक कलरफुल इंक है, यू हैव अ बाइक, राम हैव अ कार। तो जब हम लोग हैव का यूज करते हैं तो वो उसके पास की बात करते हैं कि राम के पास एक कार है, सोहन के पास एक मार्कर है, मीना के पास एक बढ़िया घड़ी है। तो हम लोग जब किसी के पास की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग हैव का यूज करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार,
या आप कह सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप और बना सकते हो क्या, कि इन स्पाइट ऑफ, कि मतलब कह सकते हैं क्या कि मान लीजिए किसी के पास कोई फैसिलिटी है तो आप उसका कह सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल सही बात, क्या बोला मैंने आपसे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, कर लो बल्कि, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मतलब तो क्या के पास होना, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं होता, थोड़ा सा ही अंतर होता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही ऑलवेज गोज टू ऑफिस बाई बाइक, ये बात समझ में आ रही है? हाँ आप कह सकते हैं क्या, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस बाई व्हाट, बाई फुट, फुट मतलब तो पैदल जाते हैं बेचारे, पैदल जाते हैं, ठीक है, बाई फुट मतलब पैदल जाना, ठीक है, बेयर फुट मतलब होता है क्या, नंगे पैदल जाना। सो व्हाट यू कैन से, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार ही गोज टू ऑफिस बाई फुट, हैविंग मतलब होता है के पास, जैसे मैं क्या बोलूं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्मार्टफोन, बात समझिएगा मैंने क्या बोला, उनके पास स्मार्टफोन है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्मार्टफोन ही नेवर गिव मैसेज टू एनीवन, ही नेवर लीव मैसेज टू एनीवन, बात समझ में आई, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ शर्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मार्कर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फ्रेंड, ही नेवर लीव विथ एनीवन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम लोग बात करेंगे हैविंग के बाद, मतलब उनके पास की बात हो रही है भाई, उनके पास कार होने के बावजूद, उनके पास पैसे होने के बावजूद, उनके पास सुविधा होने के बावजूद, उनके पास, मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे हैविंग की, तो याद रखें किसी के पास की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास वो ऑब्जेक्ट है, उनके पास में खुद से है ना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग, या कह सकते हो क्या, इन स्पाइट ऑफ क्या, जैसे बताया मैंने आपसे क्या, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पिस्टल, ही नेवर किल एनीवन, हालांकि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है बेचारे, तभी तो नहीं मारते किसी के, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पिस्टल, क्या हो रहा है, उनके पास पिस्टल होने के बावजूद, ही नेवर किल एनीवन, ही नेवर व्हाट, क्लियर, वो कभी किसी को मारते नहीं भाई, वो किसी को नहीं मारते, कितने अच्छे आदमी, बात समझ में आ गई। सो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू मे यूज हैविंग। आप एक पैटर्न और देख सकते, चौथा केस आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर फोर्थ केस की बात करूं यहाँ पे, जैसे एक केस यहाँ पे, एक सेंटेंस आप और बता, जैसे बता दूं मैं आपसे, कह सकते हैं आप क्या, इन स्पाइट ऑफ रनिंग, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ब में आईएनजी लगा दी, मैंने आपसे कहा था ना क्या होता है केस, जहां हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो वही सेम मैंने यहाँ पे किया, इन स्पाइट ऑफ रनिंग ही कुड नॉट लूज हिज वेट, क्या हो रहा है बेचारे का, इन स्पाइट ऑफ रनिंग, या कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ रेगुलर रनिंग, रोज दौड़ने के बावजूद, या हैवी रनिंग भी कह सकते हो, ज्यादा दौड़ने के मतलब, इन स्पाइट ऑफ रनिंग हैवी ही कुड नॉट लूज हिज वेट, बेचारे क्या कर रहे हैं, इतना दौड़ने के बावजूद भी अपना वेट को लूज नहीं कर पा रहे ना, इन स्पाइट ऑफ लॉफिंग, हंसते रहने के बावजूद, बात समझिए, हंसने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ लॉफिंग ही नेवर स्टे हैप्पी, वो कभी भी खुश नहीं रहते, बात समझ में आ रही है, इन स्पाइट ऑफ वीपिंग, रोते रोने के बावजूद, ही नेवर क्लेम एनीवन, वो कभी किसी को क्लेम नहीं करते। ये सब सेंटेंस क्या हो रहा है कि जहां हम लोग करते हैं वर्ब की आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब के साथ क्या करते हैं, आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ही नेवर वन द मैच, वो कभी मैच नहीं जीते, बात समझ में आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी के इन स्पाइट ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का यूज करते हैं, वहां पे डायरेक्टली हम लोग उस एक्शन की बात करते हैं, ये बात समझ में आ रही है। इन द सेम वे क्या कर सकते हैं आप, एक चीज और समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ के पैरेलल में होता है क्या, डिस्पाइट ऑफ, ध्यान समझना, इसी के पैरेलल में यूज होता है क्या, डिस्पाइट ऑफ का यूज होता है इसी के पैरेलल में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि डिस्पाइट ऑफ, या डिस्पाइट, याद रखना इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, याद रखना, दिस इज ओनली द मेजर डिफरेंस बिटवीन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, बी केयरफुल, इफ आई एम यूजिंग हेयर डिस्पाइट, ओके, आइदर यू आई एम यूजिंग हेयर डिस्पाइट और आई एम यूजिंग इन स्पाइट ऑफ, बोथ हैव द सेम मीनिंग, आइदर आई विल यूज डिस्पाइट और आई विल यूज इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ बीइंग हैप्पी, या इन स्पाइट ऑफ स्टे काम, क्या होता है,
चाहे मैं इंस्पाइट आपकी बात करूं, चाहे मैं डिस्पाइट की बात करूं, याद रखे दोनों केस में क्या होता है, मीनिंग सेम होती है। चाहे तो मैं इंस्पाइट ऑफ की बात करूं, चाहे मैं डिस्पाइट की बात करूं, दोनों में क्या होता है, मीनिंग सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात मेरी समझ में सब लोगों को आ रही है? हाँ, हमें पता है ऑलमोस्ट लोग जो आपके बैच के हैं वो लोग ऑफलाइन देखना पसंद करते हैं। जब क्लास ओवर हो जाती है तब कहीं से घूम घाम के आते देखते हैं। और हालांकि कुछ लोग आपके साथ नौकरी वाले भी हैं, इसीलिए जनसंख्या मुझे 9-10 लोगों की ही दिखाई देती है। बाकी लोग, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि सर शाम को क्लास लीजिए क्योंकि मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है, दिन भर मेरा कॉलेज रहता है। सो डोंट वी आर डियर, आप कभी भी इस क्लास को अटेंड करो, सुबह में करो, शाम में करो, कोई दिक्कत हो आप मुझे बताओ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप कभी भी ये मत समझना कि सर आप, मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो मुझे कुछ बातें कम समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं मेरे बाबू, ओके। सो आज आप लोग क्या करने वाले हैं, हेलो, हाँ हाँ कुमार रंजन जी बताइए कैसे हैं आप। तो आज बता दूं मैं आप लोगों को एक बात, क्या बता दूं मैं आपको, कि आज आप लोगों को यू हैव टू मेक एटलीस्ट 20 सेंटेंस आप बनाना है इंस्पाइट पे, 20 सेंटेंस आप बनाना है किस पे, बीइंग के साथ यूज करके, आपको बनाना हैविंग के साथ 20 सेंटेंस यूज करके, और वर्ब की ing के साथ। क्या करना है आपको, इतने टाइप से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे, आप डिस्पाइट का यूज करेंगे, आप कह सकते हैं क्या, डिस्पाइट मैं अगर कुछ एग्जांपल ऐसा बनाऊं, डिस्पाइट साइकिल ही गोज टू स्कूल बाई कार। अब सोचो कि पढ़ने जाते हैं महाराज साइकिल होने के बावजूद, यहाँ पे देखिए डिस्पाइट मैंने यूज किया, यहाँ पे मैंने इंस्पाइट ऑफ का यूज नहीं किया। मैंने बताया क्या कि इंस्पाइट ऑफ के पैरेलल में क्या होता है, डिस्पाइट होता है, बस अंतर इतना कि इंस्पाइट ऑफ फॉर्मल होता है और डिस्पाइट ऑफ इनफॉर्मल होता है। ये बात समझ में आई? आप कह सकते हैं डिस्पाइट ऑफ साइकिल, डिस्पाइट साइकिल, अक्सर गलती से निकल ही जाता है डिस्पाइट के साथ भी ऑफ ही, और दिस मिस्टेक इज बींग डन बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दोज हू आर अपियरिंग इन देयर कॉम्पिटिशन क्लास, दे आर, दिस मिस्टेक इज बींग डन बाई सो मैनी स्टूडेंट्स, दे आर ऑलवेज डूइंग द सेम मिस्टेक। इफ दे आर यूजिंग ऑफ विथ इंस्पाइट, दे आर ऑल्सो यूजिंग ऑफ विथ डिस्पाइट। तो चाहे इंस्पाइट ऑफ बोले हम लोग, चाहे डिस्पाइट बोले, बात बराबर, लेकिन कभी भी आप डिस्पाइट ऑफ मत बोलना मेरे भाई, कभी भी आप डिस्पाइट ऑफ मत बोलना। अगर आप डिस्पाइट ऑफ बोलोगे तो बिल्कुल आप गलत हो जाओगे, ग्रामेटिकली आप गलत हो जाओगे, क्योंकि डिस्पाइट कभी भी ऑफ नहीं आता। सर आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा, अच्छी बात है जी। कुमार रंजन बढ़िया जी, थैंक यू आपको, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे अभी, इधर किसी का मैं कमेंट देख लूँ थोड़ा सा। सर कोई नहीं, कोई नहीं जी, कोई दिक्कत है तो बताइए, भी बात मेरी आपको समझ में आ रही है ना। चलिए बहुत बढ़िया रंजन जी, थैंक यू आपको, आप समझेंगे तब समझ में आएगा। और आपको इससे रिलेटेड 50 सेंटेंस बनाने हैं, कितने सेंटेंस बनाने जी, कम से कम 50 सेंटेंस, कितने, कम से कम 50 सेंटेंस आज आप बनाओगे, 50 सेंटेंस। इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करोगे, डिस्पाइट ऑफ का यूज़ करोगे, ठीक है, ध्यान समझना। और आप क्या करना आपको है, आपको 50 सेंटेंस बनाना है, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना है। एकदम बढ़िया पैटर्न है, हम लोगों के डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होते हैं। हम लोग चिल्लाते रहे दिन भर क्या क्या कि पैसा होने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं करता ना, इंस्पाइट ऑफ मनी ही इज नॉट स्टडींग ना, पैसे होने के बावजूद क्या करते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तो याद रखना इस बात को, जब भी हम लोग बात करते हैं इंस्पाइट ऑफ का या हम लोग बात करते हैं डिस्पाइट का, तो याद रखना ऐसे स्टेटस में, ऐसी स्थिति में क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, के बावजूद के सेंस में लोग उसका यूज करते हैं। बात समझ में आई? कहते हैं ना कि ये सारी सुविधा होने के बावजूद, इलाहाबाद में रूम होने के बावजूद, इलाहाबाद में रहने के बावजूद वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, इंस्पाइट ऑफ स्टेइंग इलाहाबाद इज नॉट स्टडिंग, वो पढ़ाई नहीं कर रहे भाई साहब। तो क्या होता है, याद रखना इस बात को, जब भी हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग बात करेंगे के बावजूद के सेंस में, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे या तो हम लोग डिस्पाइट का यूज करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम बिहार। ओ ग्रेट ग्रेट, आई एम एक्चुअली, जी बिल्कुल, आई एम एक्चुअली फ्रॉम भारत को शोधन, हाँ हाँ ठीक जी, बढ़िया बढ़िया, एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूपी, ओके, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू शेयर माय एड्रेस टू यू ऑल, आई एम फ्रॉम एक्चुअली प्रयागराज उत्तर प्रदेश, एंड यू नो वेरी वेल इलाहाबाद
that there is the Sangam of Ganga, Yamuna and what? Saraswati. In the same way, the students all around the India are staying here. Here is also the Sangam of, you can say the junction of all kind of students, all kind of students. Okay, the great students, the suffered students, you can say the serious students, every type of students are here. So, Allahabad mein, kehte na ki agar Allahabad mein agar aap reh rahe ho, to naukari mile chahe na mile, lekin aap jeevan jeena to seekh jaoge. यहाँ से गंगा मैया का आशीर्वाद है, इलाहाबाद में जो भी रहता है वो कभी भी असफल नहीं होता है. नौकरी मिलना तो अलग चीज़ होती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग सीख के ही जाते हैं और यहाँ से निकलने के बाद कभी भी वो बेरोजगार नहीं बैठता है. नेवर ही स्टेड अनएम्प्लॉयड अ पर्सन हु स्टेड इन इलाहाबाद. तो दिस इज द बिल्कुल जी. सो दिस इज द यू कैन से दिस इज द ओनली ब्लेसिंग्स ऑफ माँ गंगा इन इलाहाबाद. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम लोग आज के लिए इतना ही रुकते हैं. बाकी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे बताओ. ऑफिशियल नंबर मैंने बताया था आप लोगों से, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने कहा था सब लोगों से कि किसी प्रकार समस्या के लिए, और जो लोग भी क्लास रेगुलर कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा. ठीक है, मैं आपके साथ हूँ. कोई समस्या हो आप मुझे बताओ. ठीक है, 9455443048 और 48. एक दूसरा नंबर भी ऑफिस का है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7275443048. तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करेंगे. और आपको सिर्फ इस पे मैसेज करना है क्या, ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश लिख के. क्या लिखना है आपको, ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश, ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश. तो जैसे आप लिखेंगे ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश, they will contact you immediately. बात समझ में आई? So, I hope सब लोग बढ़िया होंगे. Holy place in a Hindu, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बढ़िया. चलिए जी, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में एनर्जेटिक के साथ, एनर्जी के साथ. That's all for today. Have a great day. Bye-bye.